हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स गुरु। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे साथ में इस चैनल पे नए जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आप यहाँ पे रेड बटन को क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, आपके सामने एक बेल आइकन का ऑप्शन नज़र आएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इसे भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ, आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप इस वीडियो को देख पाएँ। दोस्तों, जैसा कि आप अभी इग्नू के टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2018 के लिए वेट कर रहे होंगे, उसी से संबंधित पूरी जानकारी मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तो मैं आपको एक एक चीज़ आसानी से समझा दूँगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, आप रजिस्टर ऑनलाइन में जाके यहाँ री रजिस्ट्रेशन के थ्रू अपना नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं इग्नू के साथ में, वो अभी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, लेकिन जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने जो नया पेज ओपन होगा, उसमें आप क्लियरली देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा गया है 1 मार्च 2018 to 30 अप्रैल 2018। दोस्तों, यहाँ पे इसके सामने विदाउट लेट फीस लिखा हुआ है। मैंने एक वीडियो पहले भी बताई है, जिसमें मैंने आपको समझाया है कि जून एग्जामिनेशन के लिए 1 मार्च to 30 अप्रैल ये एग्ज़ाम फॉर्म्स अवेलेबल करवाए जाते हैं, एंड दिसंबर एग्ज़ाम्स के लिए 1 सितंबर to 30 अक्टूबर, जिसके लिए आपको कोई भी लेट फीस देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जून 2018 में एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन उनके किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए हैं या वो फेल हो गए हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा। दोस्तों, आप चाहें तो दिसंबर 2018 में अपने एग्ज़ाम्स फिर से दे सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक अगर अपने असाइनमेंट्स जमा नहीं किए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, इग्नू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको अपने असाइनमेंट्स जमा करने की ज़रूरत है। दोस्तों, असाइनमेंट्स के आपको 30% वेटेज दिया जाता है, जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहता है। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने असाइनमेंट्स जमा नहीं किए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप स्क्रीन पर मेरा मोबाइल नंबर देख सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके उनके सॉल्व असाइनमेंट्स ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जैसा कि मैंने एग्ज़ाम फॉर्म का आपको अभी ऑलरेडी बता दिया है, मैं इसका लेटेस्ट अपडेट आपको बता देता हूं। दोस्तों, अभी तक इग्नू के स्टाफ से जो कि मैंने डिस्कस करके ये जानकारी प्राप्त की है, मैं आपको बता देता हूं, या तो 24 तारीख को या 25 तारीख को इग्नू के ऑनलाइन टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर लिंक डाल दिया जाएगा। उस टाइम पर आप इसे टर्म एंड को क्लिक करेंगे, तो आपके सामने यहाँ पर डेट्स अलग दी जाएंगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको एग्ज़ाम फॉर्म के लिए 120 रुपीज़ पर सब्जेक्ट पे करना होगा। दोस्तों, ये एग्ज़ाम फॉर्म्स पहले ऑफलाइन भी भरे जाते थे एंड ऑनलाइन भी, बट इस बार पूरा प्रोसीजर कोशिश किया जा रहा है कि आप ऑनलाइन ही से फिलअप कर सकें। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि री रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चालू है। फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट जो पहले से इनरोल्ड हैं इग्नू के साथ में, वो कोशिश कीजिए कि आप अपना री रजिस्ट्रेशन कर सकें। दोस्तों, इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट है कि सर, हमने तो अभी तक असाइनमेंट्स जमा नहीं किए हैं फर्स्ट ईयर के, या अभी तक हमने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं। उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि री रजिस्ट्रेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाद में अगर आप लेट हो गए तो फिर से आपको लेट फीस पे करनी होगी। इससे अच्छा है कि आप अभी एग्ज़ाम्स की आप टेंशन ना लें, एग्ज़ाम्स तो आपके टाइम पे हो ही जाएंगे। एंड रिजल्ट भी, जिन स्टूडेंट्स का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी विदिन 2-3 डेज आपका जल्दी ही एक नया अपडेट आ जाएगा। जैसे ही दोस्तों अपडेट आएगा, मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, री रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर जनवरी 2019 सेशन। दोस्तों, पहले यहाँ पे बीएससी स्टूडेंट्स के लिए री रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी नहीं दी गई थी, बीएससी के स्टूडेंट्स भी अभी यहाँ पर री रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन अवेलेबल कर दिया गया है। जितने भी बीएससी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, वो अभी अपना री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, री रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने पहले बनाई है, जिसमें मैंने पूरा क्लियरली बताया है आपको किस तरीके से री रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस। दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट्स में अभी तक भी इस चीज़ का भ्रम है कि हमारे रिजल्ट नहीं आए हैं तो हम लोग क्या करें, अभी आगे क्या होगा, कोई और अपडेट आने वाले हैं या नहीं आने वाले। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो जून टर्म एंड एग्जामिनेशन का अपडेट आप जैसा कि आप देख रहे हैं, सितंबर 18, 2018, दोस्तों इसके बाद में भी अभी और अपडेट आने हैं। जैसा आपको पता होगा कि पहले 8 अगस्त को रिजल्ट आया था, उसके बाद में सक्सेसिव एक एक करके अपडेट्स आते गए। आपने देखा होगा 31 को भी अपडेट आया था, फिर 6 सितंबर को भी, फिर उसके बाद में 12 सितंबर को भी,
18th को भी। एंड मैं अभी आपसे बताना चाहूँगा कि 24 सितंबर को हम एक अपडेट की आशा कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये पूरी जानकारी मैंने इग्नू के रीजनल सेंटर से पता की है एंड आपके साथ में शेयर करने की कोशिश की है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आप जितना इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे उसमें आपका और आपके दोस्तों का ही फायदा होगा। सो फ्रेंड्स, इन द लास्ट मैं आपसे फिर से यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपको यहाँ पे सोल्ड असाइनमेंट की वीडियोज़ भी मिल जाएंगी जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज़ देख के अपने असाइनमेंट्स लिख सकते हैं। दोस्तों, असाइनमेंट जमा करने की डेट, लास्ट डेट जो कि 30th सितंबर है, कोशिश यही थी, चांसेस थी कि यह असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट इसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इग्नू की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने असाइनमेंट्स वेल इन टाइम जमा कर दें एंड अगर आपको असाइनमेंट्स बनाने के लिए कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड प्लीज़ प्रेस दैट बेल आइकन। Thank you friends, thanks for watching, have a good day ahead.